तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जिसके बारे में पेशेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, वो है लिंग के टिप पे जलन होना। यानी कि कई लोगों को लगता है कि जो लिंग है उसके आगे अनकंफर्टेबल है, सूजा सूजा सा है, या वहाँ चप के चलते हैं, बिल्ली चलती है, या वहाँ पे कुछ खुजलाहट रहती है लोगों को, या कई बार दर्द भी रहता है। और अक्सर इसके बारे में सोच के जब वो वहाँ देखते हैं तो वहाँ उन्हें कुछ मिलता नहीं लिंग पे, तो अपने मन से ही बीमारी पेशेंट बना लेते हैं और फिर कई बार दिखाते रहते हैं किसी ना किसी को, और पता लगता है कि सब लिंग के आगे की टिप का ही इलाज कर रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट्स उनको नहीं मिल रहे। बहुत सारे पेशेंट्स ट्यूब लगा रहे होते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स कोई दवाई खा रहे होते हैं। बट समझना ये ज़रूरी है कि जो लिंग का मुँह है, उसकी जो नसें हैं, और जो मसाने का मुँह यानी पेशाब की थैली का जो इंटरनल माउथ है, जहाँ से पेशाब का रास्ता शुरू होकर लिंग के मुँह तक जाता है, उन दोनों के बीच में एक बहुत गहरा कनेक्शन है दोस्तों। यानी कि अगर कोई भी सूजन आपके मसाने के मुंह पे यानी पेशाब की थैली के इंटरनल माउथ पे होगी, जहाँ से पेशाब का रास्ता शुरू होता है, जैसे कि या तो वो ब्लैडर नेक पे हो, या वो प्रोस्टेट में हो, या उसके आसपास के अंगों में कहीं हो, तो आपको इसका एहसास जो है वो लिंग के मुँह पर होता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट्स को सबसे पहले सिम्टम्स प्रोस्टेट इन्फेक्शन में या ब्लॉकेजेस में लिंग के मुँह पर ही आते हैं। प्रोस्टेटाइटिस में काफ़ी कॉमनली पेशेंट्स जो हैं वो लिंग के मुँह का कोई इलाज करा रहे होते हैं, जबकि बीमारी प्रोस्टेट में होती है। और जैसे ही हम प्रोस्टेट के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, लिंग पे जलन होना, भारीपन होना, दर्द होना, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे पेशेंट्स लिंग के मुँह पे जलन ना बता के पूरे ही लिंग के अंदर जलन बताते हैं, यानी पीनस के शाफ्ट में जलन बताते हैं। और काफ़ी बार ये भी प्रोस्टेट के अराउंड और ब्लैडर नेक के अराउंड होने वाली सूजन का नतीजा हो सकता है। तो अगर आपको ये सब परेशानी हो रही है, तो सबसे पहले मैं सलाह दूंगा कि एक एंड्रोलॉजिस्ट से मिल लीजिए। वो आपको चेक करेंगे, वहाँ देखेंगे कि कोई लिंग के खाल की प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर जो पेशाब का रास्ता है उसके आसपास कोई दिक्कत तो नहीं है। उसको दबा के चेक करेंगे, जनरल चेक करेंगे, और फिर उसके बाद अगर लगता है कि वहाँ कुछ नहीं है, तो फिर वहाँ के इलाज कराने का दोस्तों कोई लाभ नहीं है। फिर हमें प्रोस्टेट के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, या ब्लैडर के माउथ पर कोई दिक्कत तो नहीं है, या उधर कोई सूजन तो नहीं है, इस सब पर फोकस करना होगा, जिसके लिए यूरोफ्लोमेट्री, अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ टेस्ट होंगे, और कभी कभार दूरबीन की जाँच भी करानी पड़ सकती है, और फिर उसके हिसाब से इलाज होगा। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज जो आप शुरू कर सकते हैं अभी से, वो है सिड्स बात, यानी कि टब में बैठ के सिकाई करना। और इसके बारे में एक वीडियो है जो आप देख सकते हैं कि सिड्स बात आप घर पे कैसे करें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि अगर आपके लिंग में कोई सूजन, जलन, दर्द या कोई टिप पे कोई परेशानी हो रही है, तो उसके लिए आप जरूर एक बार मेरी इस एडवाइस को मानेंगे और अपने प्रोस्टेट, ब्लैडर, ब्लैडर की कोई पथरियां, प्रोस्टेट के इन्फेक्शन, इन सब के लिए एक एंड्रोलॉजिस्ट से या यूरोलॉजिस्ट से जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।